पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। अक्षय कुमार ने अपने परिवार के संघर्षों को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे पूरा परिवार दिल्ली के चांदनी चौक में सिर्फ एक कमरे में रहता था। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उनका सपना एक्टर बनने का नहीं था, वो एक मार्शल आर्ट टीचर बनना चाहते थे। एक इंटरव्यू में अक्षय ने बताया कि वो सातवीं क्लास में फेल हो गए थे, इस कारण दोबारा से उन्हें इसी क्लास में पढ़ना पड़ा था। इस बात से नाराज उनके पिता ने उन्हें मारा। नाराज पिता अक्षय से पूछ बैठे थे कि उन्हें क्या बनना है, क्योंकि उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। बिना कुछ सोचे अक्षय ने जवाब दिया कि उन्हें एक्टर बनना है। हालांकि उस वक्त दूर दूर तक उनके मन में एक्टर बनने का ख्याल नहीं था, उनका सपना मार्शल आर्ट टीचर बनने का था। अक्षय ने आगे बताया कि दिल्ली में उनके परिवार में 24 लोग थे और पूरा परिवार एक कमरे में रहता था। पैसे अधिक नहीं थे, इसके बावजूद सब खुशी के साथ रहते थे। अक्षय ने कहा कि वो एक्टर तो नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें फिल्में देखने का बहुत शौक था। मुंबई में वो जहाँ रहते थे वहाँ से पास में रूपम सिनेमा हॉल था। हर शनिवार वो अपनी बहन के साथ फिल्म देखने जरूर जाते थे। हालांकि इसके लिए वो दिन में खाना नहीं खाते थे, खाने के बचाए हुए पैसे से वो दोनों टिकट खरीदते थे, फिर फिल्म देखते थे। उस दौर की लगभग सभी फिल्में उन्होंने देखी थी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।